यो मेरे नीचे के छल्लो, नीचे के छल्लो, सॉरी कट। यो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे है तुम्हारा भाई? वापस आया एक नए व्लॉग के साथ। तुम्हारा भाई आज दुबई जाने वाला था, पर क्या करे, लॉकडाउन हो गया और ट्रेन की टिकट्स भी फुल बुक कर चुकी थी। फुल प्लान था घूमने का। क्या ट्रेन नहीं जाती? ओ सॉरी, एरोप्लेन की टिकट थी, ट्रेन की भी थी, प्राइवेट ट्रेन। हम फुल टू दुबई जाने वाले थे अंडरग्राउंड होकर, पर लॉकडाउन के वजह से नहीं जा रहे। तो चिंता नहीं, हम कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे। और देखते रहिए आगे का ब्लॉग। यो 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 तुम ची आई चो मेरे जिगर के छल्लो। आज मैंने सोचा है हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ तुम आज तक तो बिल्कुल नहीं गए। तो पूरे ब्लॉग में बनाए रहिए, क्योंकि एक नया सरप्राइज आ रहा है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, जैसे तुम देख सकते हो। मैंने पहना है ब्लैक हुडी और ब्लू पैंट। तो ब्लॉग में बने रहिए, आज कुछ ज्यादा होने वाला है। कम ऑन, ओ सॉरी, कम ऑन। यो 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 मेरे जिगर के छल्लो, देखो आप देख सकते हो, एरोप्लेन की साउंड भी सुन सकते हो। हमने प्राइवेट एरोप्लेन मांगा है और मंगवाया है। हाँ, तो जैसे कि आपके भाई ने आपको वादा किया था कि मैंने आपके लिए सरप्राइज बुक किया है। हाँ, लॉकडाउन था, पर हम लोग अपने प्राइवेट एरोप्लेन से दुबई पहुंच चुके हैं। तो दुबई का ऐसा कुछ सीन है, और दुबई नहीं नासिक है। तेरे को पता है नासिक के, मेरे को पता है नासिक के, इनको थोड़ी पता है नासिक के। हाँ, तो हम दुबई आ चुके हैं और मैं आपको सीनरी दिखाता हूँ इसकी। ओके, ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हो दुबई का सीन, एकदम प्यार से देख लो, जो एकदम हरियाली हरियाली ये है। पक्का पता चल जाएगा बेटा, नासिक का सीन है। तेरे को पता है नासिक का सीन है, मेरे को पता है नासिक का सीन है। ये गरीबों को क्या मालूम, ये कौन से दुबई गए? दुबई जाते तो मेरा ब्लॉग देखते। ओके, हाँ, तो ये रहा दुबई का सीन। तो ऐसा कुछ है सीन। हाँ, तो जैसे कि आपने देख ही लिया दुबई, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बिल्कुल ना आए दुबई, क्योंकि फुल ऑफ वेस्ट ऑफ मनी होगा। मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए, मेरे पास पैसे थे इसलिए मैंने लगाए, मैं तो दुबई में ऐसी कोई देखने की कुछ खास जगह है नहीं, इसलिए आप बिल्कुल ना आए। तेरी बहन की नासिक। जैसे कि मैंने आपको कहा, दुबई बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तमाकू नहीं है। बिना तमाकू के मैं रहूंगा कैसे? मेरे को टट्टे नहीं आते बिना तमाकू के। दुबई बिल्कुल आने जैसी चीज नहीं। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को एक भी तमाकू की दुकान नहीं मिल रही। और फिर मैंने सोचा कि आप तो खुद ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो हम खुद ही बना रहे हैं। ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे तमाकू बनाएंगे और यहाँ पे बेचेंगे, और फुल टू फुल बिजनेस खोलने वाले हैं। तो बिजनेस प्ले लिंक डिस्क्रिप्शन में। यो 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 मेरे जगह के छल्लो, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया, मैंने आपको दुबई घुमा दिया। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ब्लॉगर आपको ऐसा नहीं करा सकता। मैंने आपको करके दिखाया, और आपको बदले में दबा के लाइक करना है, दबा के शेयर करना है, और प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे मालूम है ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग दुबई देख नहीं पाते पैसों के कारण, पर मैंने आपको फ्री में दिखाया है। आप देखिए और दबा के शेयर कीजिए। म्यूजिक। हाय गाइस, वेलकम टू फुटबॉल विद करण। जैसे कि आपने मुझे कहा था कि आप जूतों का कौन से जूते यूज करते हैं, जूतों की अनबॉक्सिंग दिखाइए, रिव्यू दिखाइए। तो हाँ, आपका भाई अनबॉक्सिंग और रिव्यू करा चुके हैं। और हाँ, ये मैंने टोपी इसलिए पहनी क्योंकि मैं टकला हूँ, आप मुझे चूतिया ना समझे कि हर वीडियो में टोपी पहनता है। तो जैसे कि आपने देख ही लिया, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो हम, जैसे कि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं नॉलेज देने की कोशिश करूंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं नॉलेजबल हूं, पर मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। तो मैं सब एक बताने वाला हूं, तो फिर से रेडी रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले खोलते हैं ये वाली, इसमें मैं यूज़ करता हूँ रनिंग के लिए, मैं यूज़ करता हूँ ये स्पाइक टोपी है, इसकी प्राइस नाइस होने तो अच्छी है, बेहतर है। मेरे को इसके बारे में पसंद नहीं, फिर मैं आपको रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। इसको लीजिए और यूज़ करना कर लीजिए, पता नहीं क्या है क्या। तो ये सारे जूते हैं जो मैं फुटबॉल के लिए यूज करता हूँ। एक नंबर शूज है, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन से लेने थे, मैंने ले चुके हैं, पर मेरे को रिव्यू करना है इसलिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसको बिल्कुल मत लीजिए, वेस्ट ऑफ मनी। पर नहीं, आपको लोगे क्योंकि आप में गांड मस्ती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको गांड मस्ती करनी है, आपको खरीदना है, और कोड भी अप्लाई करना है जिससे मेरे को 200 रुपये मिल जाए कम से कम। तो चलो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले मेरे पास है सेगा के, हाँ, पास के जूतों में सेगा के जूते हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ा सोचा हूँ। तो ये है सेगा के जूते जो मैं यूज कर चुका हूँ, बहुत अच्छे चले हैं। तो मैं आपको कंसिडर करूंगा, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आपको पैसे पे पैसे वेस्ट करने ही है, तो लीजिए। जूते हैं ये बहुत अच्छे चले हैं, बहुत अच्छे कंफर्टेबल है, सबकी सारी।
हाँ तो ये रहे मेरे जूतों के कुछ कलेक्शन, तो मेरे को सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे अपना वॉच टाइम बढ़ाना है, तो बिल्कुल मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखा रहा हूँ अभी। चलो चलते। बस ना कॉमेडी चैनल अनबॉक्सिंग चैनल में बना। तो हाँ जैसे कि आपने वीडियो देख ही लिया तो लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। यो तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में कुकिंग विद करण। तो आज हम ऐसी डिश बनाने जाने वाले हैं जो एकदम हार्ड है, आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाई या किसी शेफ ने बनाई या जैसे मैंने खुद ही बनाई। तो आज हम बहुत ही स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे एक छोटा सा गिव अवे चल रहा है। हाँ, कुकिंग चैनल में गिव अवे। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम में जाना है, कॉमेडी विद करण पेज को फॉलो करना है और मुझे डीएम करना है। तो आपको बता दो गिव अवे में हम लोग पार्ले जी का बिस्कुट दे रहे हैं एक एक सारे सब्सक्राइबर्स को। तो क्रैक जैक दे रहे हैं हम लोग सबको एक एक। तो सब रेडी रहिए, जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए। और आपको एक एक अंडा दे रहे हैं, ऐसा गिव अवे किसी ने नहीं किया होगा। तो प्लीज फॉलो कीजिए। म्यूजिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग सबसे हार्ड डिश ट्राई करने वाले हैं जो कि आज तक किसी ने की। तो हम करने वाले हैं मैगी। तो सबसे बड़ा स्कैम इंडिया का, 2 मिनट बोल के 10 मिनट में बनने वाली मैगी। हाँ वही मैगी हम बनाने जाने वाले। तो लेट्स गो। मैंने आपको बताया कि हमें बहुत स्पेशल डिश बनानी है, तो हम लोग लेंगे दो चाकू और टमाटर और प्याज बड़े बड़े चाहिए, एकदम बड़े बड़े जैसे इस तरफ एकदम बड़े प्याज चाहिए। तो आइए हम काटते हैं। तो फिर टमाटर और प्याज बहुत प्रोफेशनल तरीके से काटना है। सबसे पहले आपको टमाटर लेना है, हाँ टमाटर के टब मारना है एकदम ऐसा। टमाटर काटेंगे और कांदे को भी ऐसे मारना प्रोफेशनल तरीके, एकदम बिल्कुल नूब नहीं, प्रोफेशनल तरीके से काटना है आपको। तो ये आपका प्याज कट चुका है, कट कर दे। आप सीधा डाल के ऐसे नहीं डाल सकते, इधर देखो, हाँ ऐसे नहीं डाल सकते आपको। सबसे पहले ये करना पड़ेगा, ये ऐसा ऐसा चुटकी भर सा जीरा ऐसे टप 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 टप। टेस्ट करने वाले हैं। रन।